हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि पेमेंट का जो मैसेज है वो डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया, यानी कि जो आपका पैसा है वो कब तक आने वाला है ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप अपनी स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो इस रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि न्यूज़ क्या है और किस डेट तक आपका पैसा, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र परेशान है कि भाई स्कॉलरशिप कब तक आएगी, हमारा अभी तक अंडर प्रोसेसिंग शो नहीं हो रहा। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपना स्टेटस चेक कर लिए, स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद मैं आपको लाइव न्यूज़ दिखाऊंगा, यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जो ऑडियंस है उसमें से सिर्फ 85% स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, सिर्फ 12-15% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोग मिस ना कर सकें। तो बात कर लेते हैं कि आप लोग अपना स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि पेमेंट आपका किस डेट को आने वाला है, जो कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप लोग 7-8 लिंक्स देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके अपना यूपी स्कॉलरशिप का प्रॉपर स्टेटस देख सकते हैं, प्लस आप लोग यहाँ से अपना PFMS का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो प्रोसेसिंग में है या नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ, आपको लेटेस्ट न्यूज़ दिखाते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट कब तक आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज, देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लिए, उसे सब्सक्राइब कर लिए। टेलीग्राम चैनल का नेम है टेक्निकल इंडिया SMMK, यानी कि जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है। आप लोग इसे फॉलो कर लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम न्यूज़ और अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, प्लस आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आप लोग मिस ना कर सकें, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आने की, ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप के रूल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। सो गाइज, देखिए यहाँ पर आप लोग ये अपडेट देख सकते हैं, ये हमें एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पर सेंड किया था, जो कि 21 मार्च 2022 की अपडेट है। विषय क्या है, देश में उत्तर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति योजना के संबंध में उपयुक्त विषय के अवगत करना है कि शैक्षिक स्तर 2021-22, यानी कि जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है उसमें देश में उत्तर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य जाति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत समय सारणी के अनुसार छात्र छात्राओं के करेक्ट सस्पेक्ट डेटा को अगर सारे तो रिजेक्ट करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2022 थी, यानी कि वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट थी वो 20 मार्च थी, जो कि निकल चुकी है, ठीक है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना अंतर्गत समय सारणी के अनुसार संस्थाओं जिला विद्यालय निरीक्षक के पोर्टल से NIC लखनऊ के माध्यम से प्राप्त करेक्ट सस्पेक्ट डेटा को अग्रसारित लॉगिन छात्रवृत्ति नियमावली के अनुसार अग्रसारित रिजेक्ट किया गया, यानी कि जो भी आपका फॉर्म था जिस कंडीशन में था उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जा चुका है, यानी कि वेरीफाई होना था तो वेरीफाई हो गया, सस्पेक्ट लिस्ट में रखना था तो सस्पेक्ट लिस्ट में रखा गया, अदरवाइज अगर रिजेक्ट करना था आपका फॉर्म तो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ये भी निर्देशित किया जाता है कि सभी छात्र छात्राओं को अपने स्तर से सूचित करें कि छात्र अपना बैंक खाता अपडेट रखें, पात्रता के आधार पर बजट की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी होने पर छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि दिनांक 31 मार्च 2022 तक स्थानांतरित कर दी जाएगी, यानी कि 31 मार्च 2022 तक जो आपका पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पर ये बात बिल्कुल साफ साफ दे रखी है, यहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं, धनराशि दिनांक 31 मार्च 2022 तक स्थानांतरित कर दी जाएगी। यदि किसी छात्र का बैंक खाता संचालित नहीं पाया जाता है और ट्रांजैक्शन फेल होने पर छात्र छात्रा स्वयं उत्तरदायी होंगे, क्योंकि भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही होगा, यानी कि यहां पर यह बात भी दे रखी है अगर ट्रांजैक्शन फेल होती तो उसकी गलती जो होगी वो स्टूडेंट की मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कर रखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करके रखिए, अकाउंट आपका चालू कंडीशन में होना चाहिए, यानी कि डोरमेंट नहीं होना चाहिए। और देखिए यहां पर यह बात दे रखिए, लास्ट डेट दे रखिए कि 31 मार्च तक पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग आइडिया लगा लिए कि अब जो है पैसा किसी भी समय किसी भी दिन आ सकता है, यानी कि 22 मार्च से लेके
31 मार्च तक पैसा कभी भी किसी भी समय आपके अकाउंट में और PFMS पर शो हो सकता है, तो आप लोग रेगुलर अपना स्टेटस चेक करते रहिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लिए, उसे फॉलो कर लिए, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप इसी तरह की कोई भी न्यूज़ देना चाहते हैं, जिस पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मगर बड़ी अपडेट ये थी कि अब जो ये पैसा 31 मार्च तक आपका आ जाएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट ये कि रेगुलर अपना स्टेटस चेक करते रहिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।